everyone. Students, today we will discuss the poem Father Returning Home by Dilip Chitre. So in this poem, poet gives us a picture of a sad old man who travels to work by a local train every day in morning. So in this, the modern man seems to be alienated in a complex urban world. So let's start with its explanation. My father travels on late evening train. Standing among silent commuters in a yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. अभी यहाँ पे poet क्या बोल रहे हैं कि उनके जो father हैं वो late evening train में वो travel करते हैं, ठीक है? So वहाँ पे अभी देखो वो कितने सारे लोग travel कर रहे हैं और उनके father जो हैं वो बिल्कुल silent हैं. कितने सारे commuters हैं वो बातें कर रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल silent हैं और वहाँ पे उनके apartment में वहाँ पे compartment में उनके yellow light पड़ रही है. तो जो रास्ता ऐसे एरिया जितना भी गुजर रहा है रास्ता गुजर रहा है तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे उस रास्ते में. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. तो उनके जो कपड़े हैं वो उन्होंने बोला है वो गीले हो चुके हैं, ठीक है? उनका जो रेनकोट है वो गंदा हो गया है मड से एंड उनके हाथ में एक बुक्स का वो पैकेट है. वो कहते हैं कि जो बुक्स हैं वो बुक्स का बैग है वो भी गीला हो चुका है, ठीक है? सो ऐसे फील हो रहा है कि इट सीम्स टू बी गेटिंग टोन. हिज आईज डिम्ड बाई एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. अभी एज का इफेक्ट है तो उनकी जो आई साइट है वो थोड़ी कम हो गई है, वीक हो गई है. तो उस डिम लाइट में, इन डिम लाइट दे लुक एट द होम थ्रू द वेट मॉनसून नाइट. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. वो कहता है फिर मैं उनको नीचे उतरते देखता हूँ ट्रेन से. लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ठीक है? तो कैसे देखता है, वो कहता है कि हिज फादर लुक्स लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. एक सेंटेंस से एक वर्ड को अलग कर दिया जाए, इतनी जल्दी उसके फादर उस ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, अपनी गली में. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. वो जल्दी से वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं, ठीक है? रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं तो अपनी गली में एंटर करते हैं जहाँ पे उनका घर है. सो उनकी चप्पल्स एंड स्लीपर्स जो है वो कहते हैं कि वो मड के साथ गंदे हो चुके हैं, ठीक है? वो उनकी स्लीपर्स जो हैं उनके वो स्लिपरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मड स्टिकिंग टू देम. बट ही हरीज ऑन वर्ड एंड प्रोसीड्स टू हिज होम. होम अगेन I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. अभी यहाँ पे weak tea, वो कहते हैं कि उनको यहाँ पे उनका कोई warm welcome नहीं हुआ. घर जाके वही उन्होंने चाय पी normal सी, जैसे कोई घर पे आता तो उसको चाय पानी पूछा जाता है, but नहीं, उनको नहीं पूछा गया, ठीक है? घर पे आके फिर से उन्होंने वही अपनी चाय पी, बासी चपाती खाई और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ड. तो वो कहते हैं कंटेम्पलेट टू थिंक. तो वो कहते हैं कि वहाँ जाके वॉशरूम जाते हैं, वहाँ जाके सोचते हैं मैंस एस्ट्रेंजमेंट कि मैन ने अपने आप को कितना दूर कर दिया है इस मैन मेड वर्ड में. वो तो वो कहते हैं यहाँ पे ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ड. कंटेम्पलेट को की सोचना, टू थिंक. तो वो वॉशरूम जाते हैं, वहाँ सोचते हैं कि मैन ने अपने आप को दुनिया से अलग क्यों कर लिया, क्यों एक मैन मेड वर्ड बन के रह गया है. ये वर्ड अगर भगवान ने बनाया है, दुनिया भगवान ने बनाई है, रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं जैसे जैसे ट्रेडिशन चल रहा है, बट अभी यहाँ पे वो कहता है कि सब
अपनी ही मार रहे हैं, मैन मेड वर्ड बन गया, कोई एक दूसरे को पूछ भी नहीं रहा, ठीक है, तो वो उसमें अकेलापन फील कर रहे हैं. कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स. तो वो कहते हैं कि वॉशरूम से वो बाहर आते हैं, सिंक के पास उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके ब्राउन हैंड के ऊपर वो पानी बह रहा है. अ फ्यू ड्रॉपलेट क्रिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट. तो वो कहते हैं कि कुछ बूंदे पानी की जो है वो उनके रिस्ट पे यहाँ पे वो चिपक गई हैं. हिज सलन चिल्ड्रन, उनके इल टेम्पर्ड चिल्ड्रन ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम. कि उनके बच्चे जो हैं, वो कहता है कि उनके बच्चे उनके साथ कोई बात ही नहीं करते, उनके साथ कोई चीज़ें शेयर ही नहीं करते, ना हंसी मजाक, कोई सीक्रेट घर का तो वो शेयर ही नहीं हो रहा, तो उस फादर की क्या सिचुएशन होगी, ठीक है ना. हमें आई थिंक यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूँगी, हमें जितना टाइम मिल सकता है, हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो उसमें से हमने अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई है, जिन्होंने हमें आगे तक वो पहुँचा रहे हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है. ये हमें खुद सोचना है कि हमने कैसे टाइम निकालना है उनके लिए. तो उनके साथ हमने हंसी मजाक और किसके साथ करनी है, उनके साथ बातें शेयर करो, उनके साथ हंसी मजाक करो, उनके साथ सीक्रेट शेयर करो, ताकि उनको भी लगे कि हम उनके साथ हैं, ठीक है. वो इस इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं कि इतनी दुनिया भरी पड़ी है, तो उसमें फिर भी वो अकेला फील कर रहे हैं. यहाँ पे इस फादर को देखो, इतनी दुनिया है, बच्चे बातें नहीं कर रहे, फिर भी वो अकेला फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ सीक्रेट्स जोक्स शेयर ही नहीं करते. ही विल नाउ गो टू स्लीप. उसके बाद वो सोने चला जाता है. लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास. अभी यहाँ पे वो स्टैटिक, जिसमें आवाज़ वो क्लियर नहीं होती रेडियो पे, वो खड़बड़ी सी होती है, तो वो कहते हैं कि ही लिसन्स टू द सम नॉइज एंड म्यूजिक ऑन द रेडियो, ही ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. कि अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी होती होगी और आने वाली जनरेशन की कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि मेरी तो ऐसी चल रही है, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है. और वो प्रेजेंट टाइम को भूल जाना चाहता है और थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स, नॉमेड्स होते हैं बंजारे, अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी दैट मूव्स विद इट्स एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो उनके बारे में सोचता सोचता, उनके ड्रीम्स में सोचता सोचता, वो उपमहाद्वीप में जाते हुए तंग रास्तों में चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. बट यहाँ पे उन्होंने क्या बताया बेटा, कि नोबडी हैज द टाइम टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, ठीक है. सीनियर सिटीजन्स को लोग भूल रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, उनकी फीलिंग्स को नहीं हम पहचान रहे, उनके बारे में नहीं सोच रहे, उनको नहीं टाइम दे रहे. सो यहाँ पे द मॉडर्न मैन इज एलिनेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स अर्बन वर्ल्ड. वो अकेला रह गया है, इतनी बड़ी भरी दुनिया है, फिर भी वो अकेला फील कर रहा है. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.